हेलो बच्चों, अभी हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम से केस स्टडी बेस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से केस स्टडी नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। तो 2 जो है, ये इसका डायग्राम अगर आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें एक स्तूप बना हुआ है, जो स्तूप नीचे पे देखिए हेमिस्फेरिकल शेप में है इसका डोम जो है, और ऊपर में यहाँ पे ये जो क्यूबाइड शेप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बच्चों, ये जो स्तूप है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है, इसमें जो क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, द ग्रेट स्तूप ऑफ सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। जो ग्रेट स्तूप है सांची का, वो भारत का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। और बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो इसमें काम का चीज़ है, वो बोलता है कि ये सॉलिड फिगर के कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें एक बहुत बड़ा हेमिस्फेरिकल डोम है और उसके ऊपर में एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूछता है पहला क्वेश्चन कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज 21 मीटर। तो इसमें हेमिस्फेरिकल डोम का हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, अगर उसका हाइट जो है वो 21 मीटर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक डोम बना रहा हूँ जो कि हेमिस्फेरिकल है। ये देखिए हेमिस्फेरिकल डोम है। अब इसका जो हाइट होगा, ये हाइट बोलता है 21 मीटर है। तो ये जो हाइट है, ये एक्चुअल में देखेंगे तो इसके रेडियस इक्विवेलेंट है ना। क्योंकि अगर ये हेमिस्फेरिकल है तो इसका डायमीटर तो बड़ा वाला होगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा होगा ये इसका रेडियस होगा। मतलब इसमें आर दिया है 21 मीटर, जिसको हाइट के फॉर्म में दिया है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फेरिकल का, 2/3 πr³, ये फार्मूला होता है। तो 2/3 × 22/7 × 21 × 21 × 21 ये इसका वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 7³ × 21 होता है, तो ये कट जाएगा इससे। तो 44 × 21 1 = 21 2 = 42 और 2 = 44। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 19,404 m³, ये क्यूबिक मीटर, ये हम लोग को इसका आंसर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ए है 19,404 m³। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयरिंग। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फार्मूला क्या होता है, इसका बी हो जाएगा 4/3 πr³। ये हमेशा याद रखिएगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फार्मूला है। फिर थर्ड क्वेश्चन बोलता है द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर, कि कितना क्लॉथ लगेगा हेमिस्फेरिकल डोम को कवर करने के लिए अगर इसका जो रेडियस है बेस का वो 14 मीटर है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों देखिए, इसमें जो रेडियस बता रहा है डोम का, वो अब 14 मीटर बता रहा है। तो ये जो रेडियस हो गया ये 14 मीटर हो गया। अब ये हेमिस्फेरिकल डोम जो है हेमिस्फेरिकल शेप में है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल, ये होगा 2πr², जो स्फीयरिकल होता है उसका आधा होता है ये। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 22/7 × 14 × 14। तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, और ये 44 × 28, तो इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1232 m² 1,232 m² बच्चों इसका आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन है 1,232 m². अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर हेमिस्फेरिकल डोम विद रेडियस 14 मीटर एंड क्यूबॉइडल शेप्ड टॉप विद डायमेंशन 8 मीटर 6 मीटर एंड 4 मीटर। तो बच्चों फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं जो अभी हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हेमिस्फेरिकल डोम है इसके ऊपर में अब यहाँ पे ये क्यूबॉइडल शेप है। अगर मैं क्यूबॉइडल शेप को यहाँ पे बना दूँ तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा बच्चों। इसमें बोलता है कि ये जो है इसका जो साइज है वो 8, 6 और 4 है, तो माने इसका जो लेंथ है 8 है और जो इसका विड्थ है वो 6 है और इसका हाइट जो है वो 4 है। अब बच्चों देखिए ये ऊपर में है, तो सबसे पहला बात जो है इसका जो नीचे का सरफेस है वाला,
मैंने इसका जो एक लेंथ और एक ब्रेथ का जो एरिया है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बाकी जो टोटल एरिया है वो इंक्लूड हो जाएगा। और पहले से हम लोगों ने सी एस ए फाइंड आउट कर लिया है हेमिस्फेरिकल डोम का, तो इसमें बोलता है दोनों कंबाइंड कितना होगा। तो इसमें सी एस ए हाफ डोम, हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ डोम है ना, तो ये हो जाएगा 1232 प्लस, इसमें हम लोग इसके एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 × 8 × 4 प्लस 2 × 6 × 4 प्लस 8 × 6, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो 1232 प्लस 8 × 4 = 32 और 32 × 2 = 64 प्लस 6 × 4 = 24 × 2 = 48 प्लस 8 × 6 = 48, इसको ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 1392 m². अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में जो है ये सी नंबर ऑप्शन है 1392 m², स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, ये क्या बोलता है ना कि हेमिस्फेरिकल डोम है और उसके ऊपर में क्यूबॉइडल शेप्ड टॉप है, तो दोनों के जो सरफेस एरिया को इसको इंक्लूड करना है, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है। इसलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में एक्सक्लूड करने का बात नहीं बोलता है, नहीं बोला कि कोई कपड़ा वपड़ा ढकेंगे जिसमें जो नीचे का हिस्सा है वो छूट जाएगा। अब चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल शेप्ड टॉप इज विद डायमेंशन मेंशन इन द क्वेश्चन फोर। तो इसमें जो फोर्थ नंबर में जो डायमेंशन दिया हुआ है उसके हिसाब से वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्यूबॉइडल शेप्ड डायमेंशन का। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो बच्चों इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए इसमें लेंथ है 8, ब्रेथ है 6 और हाइट है 4, तो 8 × 6 = 48 × 4, तो हो जाएगा 8 × 4 = 32 carry 3, 4 × 4 = 16 3 = 19, तो 192 m³ इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा नंबर ऑप्शन पे 192 m³, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी पे है 192 m³, यही इसका आंसर है। और नीचे देखेंगे बच्चों तो सारा का सारा आंसर जो हमने फाइंड आउट किया है बिल्कुल सही है। तो बच्चों आशा करता हूँ मेरे इस एक्सप्लेनेशन से ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।